मेरे को महीना पूरा होने पाएगा, मेरे को घर गुजार मुझे 10,000 चाहिए, देन आई कैन नॉट अफोर्ड दी एजेंसी. चलो ठीक है, मैं उसके पास कम लाइबिलिटी होगा सर. आज तो हमारे पास बेबी खाने के लिए है, पहनने के लिए है कपड़े हैं. इमेजिन फॉर दैट गर्ल, एंड आई नो दिस स्टोरी बिकॉज़ एक हफ्ता पहले वी वर टेकिंग सेवन प्रोफाइल्स फॉर दैट. नहीं तो उसने लाख रुपया वापस किए वो अपने घर में जाके पहले अपना पेट भरूं, फिर दूसरों को चिट्ठियों को हमें लास्ट थिंग इज गिविंग चिट्ठियों को खाना खिलाऊं. देखो एक्चुअली अंदर नहीं, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर दैट ही हैज टू पुट देम फॉर हिज ओन नीड, राइट? नो, चिट्ठियों को तो देने का है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अदरवाइज सर इट मस्ट नीड. लेकिन क्वेश्चन इज के मतलब ओके, इफ आई थिंक से थिंग तो उसे बच्चे खाते को मेरे को से 30 रुपए दे देगा या बच्चे उसको जाकर कर ले. अपनी कैपेसिटी में जितना हो सके आप जो काम करें बहुत अच्छा काम है. आप रिलीजियस में जाके गिविंग वाटर, दैट्स अ बिग हेल्प और बिग सर्विस यू आर डूइंग. So point is ki not ki suddenly you become like a hermit, and maybe why not, if you become hermit, if you feel like, become a hermit. If you feel like, I mean, whatever capacity, through organizations or through individual, through a company, I'm not saying like this is this or that, this and that. I'm saying this and this, you know, it's not about, you know, this is right or this is right. Who gaya zamana, it's like about coming together and jo achha kaam kar raha hai, usko highlight kare, uski story share kare. And jab wo automatically jo achha kaam share karte hain, encourage karte hain, जो बुराइयां हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं. हम अगर बुराइयों पे एफर्ट करेंगे, नहीं नहीं आपका बाकी काम अच्छा है 90%, 10 आपका अच्छा नहीं है, आप बुरे आदमी हो, तो उसमें क्या होता है सर कि जो जितना 90 है वो भी थोड़ा कम हो जाता है. सो आई पर्सनली बिलीव डूइंग दैट इन व्हाटएवर कैपेसिटी. अगेन छोटा है 1 रुपए तो 1 रुपए के साथ, दैट्स माय अक्षय पाटिल इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल. नहीं है तो सिर्फ प्यार के साथ, मुस्कुराहट के साथ, मे बी आज है नहीं है तो लोगों का हूं क्या समझ लिया, सो इट व्हाटएवर स्वभाव है. वैसे आपको जो एक्सपीरियंस है लोगों से भी इतना जितना रहते हैं सर वही तो ऐसे लोग बनते हैं. यानी हमारी अपनी भावना ऐसी है सर कि अगर चलो उसने नहीं दिया पैसा दे दिया चलो आपकी भावना का तो करता हूं मैं तो. ये लोग जो लोग ऐसे नहीं बनते हैं, राइट सर, हाँ मिलते हैं सर, क्यों नहीं, चलो वो देख के क्या, लेकिन चलो मैंने स्वीकार भी लिया बरोबर. अगर वो जाके फिर वो तो सोच, वो कितना सोचेगा कि साला मैं यार इतना बड़ा आदमी हो गया, वो रिक्शा वाले को मैंने रुपया नहीं दिया है. तो दूसरा ऑटो था उसने बोले इतना रुपया हुआ,
मैं बोला तुम क्या मांगे थे मतलब क्या था कि तू मांगे थे मैं तो तेरा शर्म आवे मैं तू आना हिसाब है अपना हिसाब और हिसाब खराब पड़े मैं तो उतना शर्म से झुक गया ना बोले यार क्या करूं दे अरे मैं बोला ये आईंदा ये अभी किया बाकी आईंदा ऐसा मत करना मैं बोला तो यानी ऐसा है।